किंतु ऐसे साधु संग सहज ही प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं, हे मन, तू इस ब्रज में अतिशय दैन्यपूर्वक काकुति सहित अर्थात कातरता पूर्ण वाणी के साथ गिरिधारी श्री कृष्ण का उसी प्रकार से भजन करो, जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ सठता को अपनी अहेतुक कृपा द्वारा दूर करेंगे, अपने परम उज्जवल प्रेमामृत प्रदान करें तथा श्रीमती राधे की भजन की प्रेरणा प्रदान करें। इस प्रसंग में हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के भजन दर्पण से हम लोग भी श्रवण किया। किस प्रकार ब्रज में रह करके साधन भजन करना है, ये साधक के हृदय में जब तक अपने संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है तब तक उसे इस ब्रज भावमयी सेवा में अधिकार नहीं होता है। वैश्य भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं है, और मैं कौन नहीं, गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी भी नहीं है क्या? गोपी भोरतुर पद कमलुर दासानुदास, ब्रज गोपियों की जो प्राण प्रियतम गोविंद है, शीघ्र ही मिले तब गोकुल कांत, ये राधे राधा जी की दासी अभिमान लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या करें, जड़ स्त्री पुरुष का अभिमान त्याग देना पड़ेगा है? जब तक इस शरीर में हम स्त्री पुरुष के अभिमान रखते हैं तब तक राधा जी की किंकरी होने की संभावना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जी, जड़ पुरुष का अभिमान त्याग करके अर्थात जड़ स्त्री पुरुष का देह से उसका किसी प्रकार संबंध नहीं होता है, केवल अणु चैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में स्त्री भाव होता है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जो साधक दास सख वात्सल्य में अर्थात कृष्ण के भजन करना चाहते हैं, उनकी अधिक रूप में शरीर होता है क्या? पुरुष शरीर होता है। केवल माँ जशोदा के अनुगत्य में जो सेवा होती है, वात्सल्य सेवा होती है, स्त्री शरीर प्राप्ति होती है। समझ में आता है, माँ जशोदा के अनुगत्य में जो वात्सल्यमयी सेवा प्राप्ति होती है, उनकी ही केवल स्त्री शरीर प्राप्त होता है। और नंद आदि के अनुगत्य में वात्सल्य सेवा की जो प्राप्ति होती है उसके क्या? पुरुष शरीर होता है। इसके अलावा दास सख के अनुगत्य में जो सेवा आदि है ब्रज के, उनके शरीर भी पुरुष शरीर होता है, पुरुष शरीर होता है। श्रृंगार रस में गोपी भाव की जो सेवा केवल एकमात्र स्त्री शरीर में प्राप्त होता है, इसलिए कह रहे हैं, गोपीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन। जब तक गोपियों के अनुगत्य ना करें तो ब्रजनंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति करना संभव नहीं है, और वो माधुर्य रस में भी प्रवेश करना संभव नहीं है। तात्पर्य यह एक ही शब्द में कहा दिया जाए, ये श्रृंगार रस के जितने भी सेविका है सब उनकी शरीर कैसे हैं? स्त्री शरीर युक्त कहा गया, क्योंकि श्रृंगार रस की जो सेवा जो है एकमात्र गोपी शरीर व स्त्री शरीर के द्वारा ही संभव है। इसलिए कहते हैं, ये प्राकृत तो जो स्त्री अर्थात जोड़ीय स्त्री पुरुष का देह उसी का प्रकार का संबंध नहीं रहता, केवल अनुचैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्त्रीभाव होता है उसके लिए ही उपयोगी है, स्त्रीभाव उपयोगी शरीर प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास वात्सल्य नहीं ये सब गोचर,
चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, राधा कृष्ण की जो अंतरंग सेवाएं जो है, कुंज सेवा आदि जो है, वो केवल सुखियों की द्वारा संभव है। इसलिए सुखी बिना यही लीलार नहीं और न, सुखी छोड़ करके और किसी के इसमें प्रवेश अधिकार भी नहीं। यहाँ पर भी साधन के समय जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहकर श्रीमती राधिका के चरण कमल के अनन्य आश्रित रावणीय रसिक भक्त के अनुगत होकर भजन करना ही गोवर्धन ये श्री गंधर्व भजन कहलाता है। बहुत सहज या सुखी भकी लोग पुरुष शरीर है और ब्रज में रह करके कपड़ा पहन लेते हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहन लेती है, नाक में नथनी पहन लेते हैं, अपने अपने को राधा जी के सखी कहा करके ढंग रचाती है, किंतु ये अपराधमूलक कहा गया है। हाँ समझे, जाओगे परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा करने करने के जाओगे रास्ता में, ऐसे भी बहुत लोग आपके मिलेगा, किंतु इसलिए कह रहे नहीं, साधन के समय जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक मार्ग की भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोग दूर रहकर श्रीमती राय के चरण कमल के अनन्य आश्रित रागानुगा रसिक भक्त के अनुगत होकर भजन करना चाहिए, इसी के गंधर्व भजन का है, जिसके बारे में हम लोग काल भी श्रवण किया था, जो किस प्रकार ब्रज में ये भावना रखना चाहिए, सदा सर्वदा राधा कृष्ण की विरह सूचक लीलाओं को स्मरण करें, जिसको कहा जाता है प्रार्थना मूलक। इसलिए काल हम लोग गंधर्वाष्टक से कुछ श्लोक भी हम लोग पढ़ा था, ये किस प्रकार भावना लेकर के, हा देवी काकु भर गद गद अद्वाच झाच निपत्त भुवि दंड बदुभुटार्ति अश्व प्रसाद मुदश जनश्र कृत्वा गंधर्विके निज गणे गणनां विदेहि। हे श्रीमती राधिके, अपने गणों में मुझे आप गणना कीजिए, मैंने स्वीकार कर लीजिए, आपकी कृपा बिना और मुझे और किसी की कृपा नहीं चाहिए। अश्र प्रसादम अवधश्य, मैं अत्यंत निर्बोध हूँ, यह दीनहीन अवोध जन की आप अपने चरण कमल की दासी रूप में स्वीकार करें। अत्यंत काकुभाव से, अत्यंत दीनहीन होकर के और बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए, ये समस्त प्रार्थना की कार्य है। और इसी प्रकार नाम करते करते इसी लीलाओं को भी स्मरण करें, जैसे काल दो एक कथा आप लोग को मैंने श्रवण कराया था, ये लीला निकुंज कोहरे भवती मुकुंदे चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षी नाहम भुग्ना भुवंग न रचयति मृषांग रुषांग त्वांग अग्रे ब्रजेंद्र तनस्य कदानुनिश्य। यहाँ पर कितने सुंदर भावों की जो है अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये एक समय आप जब निकुंज वन में कुंज में जब आप लुका छिपी खेलेंगे, आप जब छुप जाओगे और किसी सखी के द्वारा इंगित प्राप्त करके कृष्ण आपके जब स्पर्श करेंगे, तब उस समय आप मुझे उंगली उठा करके शासन करोगी, क्या करोगी, हे रूपमंजरी तुमने क्यों बता दिया मैं यहाँ पर छिपी हूँ,
हैं। इतने श्रीमती राधिका ऊपर से इतने क्रोध प्रकाश करते हुए हैं, होठों के काटते हुए आंखों की दृष्टि और हाँ उंगली उठा करके मुझे शासन करोगे, उस समय मैं क्या कहूँगी? हे श्रीमती राधिके, आप मेरे ऊपर व्यर्थ क्यों क्रोध प्रकाश कर रही हो? करें ना, हे रुचि रक्षी ना हम, मैंने नहीं किया, मैंने इंगित नहीं किया। भुगना भुवंग रचुति मृषा रुषांग त्वंग, मुझे क्यों ऐसे आप कर रहे हो? देखो चित्रैव सुचितम रुचि, चित्रैव सुचितम, आपके जो प्राण प्रियतमा सखियां जो है अष्ट सखी में चित्रास देवी के नाम भी विशेष है, राधा जी की जो अष्ट सखी जो है ये अष्ट सखी में विशेष सखी क्या है? चित्रास की है, जो चित्र अंकन में अतीव सुदक्षा है। चित्रास की के भी महिमा बहुत सुंदर है। जब हम लोग वो परिक्रमा करने के लिए गहर वन परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, और पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? बरसाना में प्रवेश करके सांकरी खोर, सांकरी खोर के पार करके हम कहाँ चलते हैं? चिकसौली है, वो चिकसौली क्या है? चित्रासखी की गांव माना जाता है। ये चित्रासखी जो है वो अत्यंत सुंदर चित्र अंकन में सुदक्षा है। आज इसकी कथा भी इसी प्रकार है, ललित विदग्ध माधव नाटक में भी ऐसे वर्णन है शायद। एक समय राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही थी, और उनके ऐसे तड़पना देख करके राधा जी ने एक चित्रासखी की, और राधा जी के निकट कृष्ण की एक सुंदर चित्र अंकन करने लगे। देखने इतने सुंदर चित्र अंकन कर रहे हैं, कोई कोई एक विशेष कलाकार होते हैं ना, वो कहाँ है वो कलाकार, कोई कोई आता है इधर है, वो इतने सुंदर एक चित्र अंकन करी, कृष्ण के मुखमंडल के अंकन किया, हाथ अंकन कर दिया, ऐसे ऊपर से धीरे धीरे नीचे के तरफ चित्र अंकन कर रही थी। राधा जी देख रही थी है, भाव में विभोर होकर रही राधा जी ऐसे सोच रहे कृष्ण हमारे सन्निकट में ही है, है? जब चित्रा देवी कृष्ण के पैर को अंकन करने लगे है, तो राधा जी झपट उनके हाथ को पकड़ गया, ये चित्रे तुम आगे मत बढ़ाओ, नाजनी कृष्ण यहीं से दौड़ करके चली चले जाएंगे। देखो कैसे भागना है, ऐसी समस्त लीलाओं वर्णन है, चित्रासखी की अनेक जो है ये समस्त लीलाएं बताया जाता है, इसलिए वही रूपमंजरी कह रही हैं जे आपके प्रिय सखी प्रिय नर्मसखी, इनके पूर्व प्रिय नर्मसखी कहा जाता है, अष्ट सखी की जो है ललिता विशाखा सुदेवी रंगदेवी चित्रा चंपक लता ये सब जो है राधा की करी करी बराबर गुण संपन्ना ये सब है। तो कह रही रूपमंजरी कह रही हे राधे, आप मेरे ऊपर वृथा रोष क्यों प्रकाश कर रही हो? चित्रैव सुचितम, ये आपके जो सखी जो चित्रा सखी ने इंगित कर दिया, मेरे पर क्यों दोष कर? किंतु देखो इसको सुन करके राधा जी कुछ नहीं बोले है, आसमझे, क्योंकि राधा जी ये समझ सखियों के नहीं डांटते हैं, अपने बराबर लेवल है ना, है बराबर लेवल होते हैं है, उनके कहाँ डांट करनी है। तो उसी प्रकार कर रहे हैं, जो इसी प्रकार राधा जी अत्यंत क्रोध प्रकाश करके उंगली उठा करके आंखों की भ्रुभंगी करते हुए है, और स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण के सामने जब डांट फटकाएंगे है, उसके देख करके कृष्ण भी क्या हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, भयभीत हो जाते कृष्ण है, आ समझे नहीं।
भाई देखो, कोई एक व्यक्ति अपने प्रभाव विस्तार करने के लिए कारण अकार में अकारण में दूसरे के ऊपर डांटना शुरू कर देते हैं, है तुम ये काम क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, हवा 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 कर दिया शुरू। और देख करके साधारण लोग डर जाते हैं, बाप रे बाबा ये कितने प्रभावशाली है, आ समझे। इसे ये भी एक कला कहा जाता है, ये भी कला है, कोई कारण नहीं है, बिना कारण से बस साधारण के कारण से इतना वो दिखाते हैं, दूसरे लोग देख करके डर जाते हैं। तात्पर्य क्या है, जब राधा जी इसी प्रकार अत्यंत रुष्ट होकर के और अपने मंजरियों के इसी प्रकार जब डटने लगे, देख करके कृष्ण भी भयभीत हो जाते हैं। इसलिए यह पर भी कह रहे हैं श्री रूप मंजिल कह रहे हैं ये अग्रे बजेंद्र तुमसे कदानु ने ऐसे बजेंद्र ने कृष्ण के सामने कहा मुझे आप ऐसे डांटोगे। ये समस्त लीला कितने सब वर्णन हुए हैं। तो तात्पर्य है साधक नाम करते करते ये समस्त लीला आदि को कथा चिंतन करने लगे। तन्नाम रूप चरितादु सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनोसी निज जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नय अखिलंग अखिलम इत उपदेश सारम। इसलिए रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत ग्रंथम यही तो कार्य, ये साधक किस प्रकार भजन आदि करें, ब्रज में रह करके भजन की प्रणाली बता रहे हैं। तिष्ठन ब्रजे ब्रज में रहो, तद अनुरागी और जनानुगामी कृष्ण के रंग में रंगी रंगी कृष्ण यानी ब्रज रंग में जिसके चित्त रंगे हुए है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मती क्रियतांग यदि कुतोपि लभते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कटि सुकृत लभते। अनेक जन्म के सुकृति के द्वारा वो प्रेम भाव प्राप्ति नहीं होगा। वह प्राप्ति के उपाय क्या है, न एकमात्र ब्रजरसिक जन जिनके हृदय ब्रज सिंगारस के द्वारा डूबे हुए है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे जिस प्रकार रसगुल्ला के रस से उठाव जैसे टपक टपक करके बूंद पड़ता रहता है और रसगुल्ला के रस उनके हर रंध्र रंध्र में कोने कोने में जैसे लिप्त हो जाता है लग जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे ब्रजरसिक साधु जन के निकट रह करके उनके अनुगत्य में ये समस्त कथादि श्रवण करो। भले उसके लिए क्या देना पड़ेगा, न लोभ रूपी मूल्य, केवल सुनने की लोभ हो जाए बस। इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतो भी लभते लोभ लो मूल्य जन्म कड़ी सुकृत लभते, ये लोभ रूपी मूल्य के द्वारा। अर्थात कहने की तात्पर्य है ब्रज प्रेम प्राप्ति के एक ही उपाय क्या है, लोभ, लोभ होना चाहिए। अनेक जन्म की सुकृति, अनेक जन्म की पुण्य बा अथवा अनेक जन्म की इस प्रकार भजन आदि के फलस्वरूप कोई बिरला कोई संत महात्मा की कृपा हो जाए तब उनके हृदय में ये सब लोभ उत्पन्न होता है। बड़े लोभ के लक्षण भी बताया गया, ऊपर से होने से नहीं होता है, लोभ के लक्षण भी बताया, हर जो सिम्टम्स ऑफ द ग्रीड है तो इसमें कह रहे हैं साधक देह में विधि भक्ति को पालन करे। भक्ति के ये 64 प्रकार के अंग उसके पालन करे, श्रवण कीर्तन आदि ना वैध भक्ति में जा उद्दिष्ट, श्रवण कीर्तन आदि की जो वैधि भक्ति में जो लिखा गया है उसके भी पालन करना पड़ेगा। ब्रज लोक अनुसार तो ब्रजवासी लोग जिस प्रकार
राधा गोविंद की सेवा आदि करते थे। यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में भी वर्णन करते जा रहे हैं, ब्रज लोक अनुसारत, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। क्योंकि जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी जन अनेक कार्य आदि करते उसके अनुकरण करना नहीं है, कुछ कार्य करना है कुछ कार्य को ही करना नहीं है, है इसके भी विचार दे रहे हैं। जैसे गोपियां सूर्य पूजा आदि करती थी, कहते हम भी सूर्य पूजा करेंगे, है बोले नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में जो कह रहे हैं तुम सूर्य पूजा मत करो। गोपियां तो आती थी पूजा करने के लिए, उसके ऊपर से एक बहाना मात्र, सूर्य पूजा थोड़ी करती थी वो, तो कृष्ण के मिलने के लिए एक बहाना मात्र कर दिया है। आ समझ में नहीं, सूर्य पूजा क्या करेगी। तो इस प्रकार भी दिखा रहे हैं ये किस ब्रज लोक अनुसारत, एक अनुसरण और एक अनुकरण, अनुकरण करना नहीं है। अनुसरत जैसे ब्रजवासी लोग एकादशी पालन करते थे, उसको आपको करना पड़ेगा है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये ब्रज लोगों की कौन सा कार्य अनुसरण करना है और कौन सा करना नहीं है वो भी वर्णन किया गया है। तो इसी प्रकार कहते हैं ये आरोह सिद्धा, संग सिद्धा और धीरे धीरे सर्व सिद्धा भक्ति में कैसे प्रवेश करें, इसके भी दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अत्यंत उत्कंठा के साथ ये समस्त भजन करना चाहिए। और उन लोगों की कृपा होने पर अर्थ जानी, ऐसे संत महात्मा की कृपा होने पर अर्थात साधु संघ के प्रभाव से दंडवत समस्त प्रकार जो है छल कपट आदि धीरे धीरे दूर हो जाएगी है। इसलिए कह रहे हैं मुझ सट की सढ़ता अर्थात सढ़ता ही बद्ध जीव की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं है। अविद्या का आश्रय करने के साथ ही साथ जीव सठ दाम्भिक प्रतिष्ठा लोलुप और कपटी और दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाते हैं। जितने मेरे हृदय में साधक के हृदय में छल कपटता रहेगा वो धीरे धीरे ये ब्रज भक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे समुद्र में लोग नहाने लेके जाते हैं है, किंतु अधिक दूर चले जाए यदि आपके कला नहीं रहे, माने तैरने के नहीं आता है, हो सकता है और अधिक दूर जाने पर वहाँ पर वो पड़ जाता, क्या बोले भंवर पड़ जाता है, है और ऐसे आपको क्या करके लेकर के बहुत दूर तक ले चले जाएंगे और वापिस आना संभव नहीं है, है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं ये साधक कभी कभी अविद्याग्रस्त होकर के और इसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति करने के लिए ये ब्रज भक्ति को त्याग दे देते हैं और उस प्रतिष्ठा में ही चले जाते हैं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सबसे दंभिक क्या है, प्रतिष्ठा कह रहे हैं, दंभ कह रहे हैं। ये काम क्रोध आदि भी हो सकता है किसी कारण से भी दूर हो जाए, किंतु प्रतिष्ठा के आशा ये अति सहज रूप में निवार निवार दूर नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपच रमणी में हृदय नटित कथं साधु प्रेमणा सुचिरेव ननु मनः। यहाँ पर भी कह रहे हैं हरिनाम का आश्रय करते 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 और तभी श्री कृष्ण एवं उनके प्रिय भक्तजन उन पर कृपा करते हैं और तभी दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। मधुर रस भी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद मधुर रस के संबंध में कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में
मुख्य रसेशु पुराज संक्षिप्त आदि इति रहस्य तत् पृथक एव भक्ति रसराट स विस्तारेण उच्यते मधुर शिल रूप गोस्वाई पाद एक शिल उज्ज्वल निर्मिनी ग्रंथ में वर्णन हो रहे जे भक्ति रसामृत ग्रंथ में नाना जातीय भक्ति अनुशीलन है उसमें शांत दास सख बात्सलोर मधुर इन पांचों मुख्य रस का वर्णन होने पर भी पहले चार रसों का वर्णन विस्तार पूर्वक एवं मधुर रस के सर्वप्रधान होने पर भी इसका वर्णन संक्षेप में किया गया है। भक्ति रसामृत भी मधुर रस का वर्णन है किंतु उसमें संक्षेप रूप में किया गया। यही मधुर रस का मधुर रस ही कहा जाता है, भक्ति रस का राज है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह संतादि दूसरे भक्तों के लिए अनुपयोगी है, वैधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्त चित्त वाले साधक के लिए सुगप्प एवं सुदृढ़ होने के कारण अन्यान्य रसों के साथ इसका एकत्र वर्णन करना उचित नहीं समझा गया। ये क्यों भक्ति रसामृत सिंधु में ये उज्जवल रस व सिंगर रस की पुंखानी पुंखर में संपूर्ण रूप से वर्णन क्यों नहीं किया गया है, इसलिए कह रहे हैं ये सिंगार रस के अधिकारी बहुत कम लोग हैं और ये भी अत्यंत गोपनीय है। मतलब गुरुदेव कहते थे देखो दास सख बात्सल्य तक लोग समझ सकते हैं है? किंतु सिंगार रस की कथा ये अतीब गोपनीय है। बात्सल्य रस तक आप वर्णन करते साधारण लोग समझ सकते हैं किंतु जहाँ पर सिंगार रस की कथा है गोपियों के साथ कृष्ण के जो अपरागित दिव्य संबंध क्रिया वो लोग साधारण लोग समझ साधारण एक कामी स्त्री पुरुष की विचार कर लेंगे आ समझे क्यों। एक तो कलिजुग के जीव जो है अत्यंत जो है नीचगामी कहा गया, नीचगामी समझते हो, कलिजुग के मनुष्य की मन जो है अत्यंत निम्नगामी, उच्च धारणा तो है ही नहीं है, उच्च धारणा नहीं होता रहता जो है स्त्री पुरुष की काम क्रिया क्रीड़ा समझ लेंगे वो है, किंतु वास्तव रूप में वो अपराकृत वस्तु है इसलिए माने विस्तारित रूप में दिखाया गया उदाहरण के साथ है। यहाँ तब की रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्मिनी ग्रंथ में जहाँ जहाँ पर और कोई उदाहरण देने के संभव नहीं है, पुराण की श्लोक भागवत की श्लोक भी दे करके भी संभव नहीं है, तो अब उन्होंने किया कि उस विषय के परिपुष्ट करने के लिए अपने सर्वरचित ग्रंथ तत्वविद मनीषिगण उसे मधुर रस कहते हैं है? सिंगार रस में विशेष करके जो है ये विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी हर रस में तो है, हर रस में के स्थाई भाव होता है और उस स्थाई भाव के ऊपर चार प्रकार के इंग्रेडिएंट्स सामग्री मिलता है तब तो रसाला होता है, किंतु मधुर रस में भी उसी प्रकार ही है। इसमें अनेक प्रकार की भावों को दिखा गया है, कौन रस किसके एक होता है क्या मैत्री रस होता है और एक होता है क्या बोले एक मैत्री रस और एक है बैरी रस होता है ये सब विचार करके दिखाया गया कौन रस किसके साथ मित्रता होगा किसके साथ बैरी होगा देखना पड़ता है ना भाई सब्जी बनाने के समय देखना पड़ता है कौन सा सब्जी किसके साथ लगेगा है जो अत्यंत कुशल जो क्या बोलते हैं रसोई बनाने वाला रसोईया होता है वो पहले ही वो स्थिर कर लेता है कौन सा सब्जी के साथ कौन सा सब्जी देने पर वो ठीक बनेगा है जो जानते नहीं है जो कुछ लगा दो बस एक साथ में सब डाल दो बैगुन सबसे लगा दो बैगुन है वो है सब में लगा दो किंतु कुशल जो रसोईया जो होते हैं जिस प्रकार हर सब्जी के साथ किस सब्जी
लगने से स्वादिष्ट होगा वो जानते हैं। ठीक उसी प्रकार रस तत्व में ये भी विचार दिखाया गया है। जैसे दास्य रस माधुर्य रस के क्या होते, श्रृंगार रस के क्या हो जाता है, बैरी रस बन जाता है। शक्कर रस श्रृंगार रस के मित्र रस कहा जाता है। देखो शक्कर रस के क्या है, सुबल है। देखो सुबल राधा जी के साथ कृष्ण के साथ मिलन के लिए कितने सहायता करती रहती है। यहाँ तक भी कुंज सेवा में कहाँ कहाँ वो सेवा है, सहायता भी करते रहते हैं। ये समझते बहुत कुछ विवरण करके दिखाया गया है। अंदर में प्रवेश नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ पर धारणा हो जाता है ये सुबल भी कुंज में प्रवेश करके श्रृंगार रस की आस्वादन करते हैं, किंतु ये नहीं है, विचार नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद इसके सुंदर रूप में वर्णन कर दिया है। ये राधा कृष्ण के निभृत निकुंज में जो लीला विलास अति होता है, जहाँ पर दोनों की विलास में घर्म माने पसीना निकलता है, उस समय सुवल क्या करती है, दोनों के क्या करते हैं, हवा बैजन करते हैं। तो यहाँ पर बैजन कैसे करेंगे वहीं पर है, इसके भी टीका करके पढ़ना पड़ेगा, टीका करके लेना पड़ेगा। बिना टीका पढ़े हुए और ऐसे बोल दिए तो ठीक नहीं करे, श्लोक में तो लिखा गया है। तो सुबल पुरुष शरीर है उनको, पहले तो कहा गया दास बात्सल्य आदि नहीं ये सब गोचर सवेक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला सदय। निवृत्त निकुंज कुंज में जहाँ पर राधा कृष्ण की अत्यंत प्रेममय ऐसे लीला हो रही है, वहीं पर सखाओं की प्रवेश अधिकार नहीं। अरे सखाओं की प्रवेश अधिकार भी छोड़ दीजिए, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं प्राण पृष्ठ सखी किलादपि संकोचिता भूमिका कार्य है। ललिता विशाखा आदि ऐसे सखियों भी उस लीला स्थली में प्रवेश जब कर नहीं पाते हैं, अथवा करने के लिए ये समस्त मंजूरियों की क्या करना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। तमुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। तो सुबल कहाँ से प्रवेश करेगी, कैसे कर जाएंगे, रसाभास दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं, जो व्यजन कर रहे हैं, तो व्यजन की तात्पर्य जो है वो बाहर कुंज के बाहर में है, वो लगा रहता है, क्या बोले, रस्सी लगा रहता है, है? आ समझ रहे, वो बाहर में कुंज की बाहर की दरवाजे में जो रस्सी लगा हुआ है, अंदर में पंखा लगा रहता है और उसके वो व्यजन कर रहे हैं। देखो हम पहले देखा, आजकल तो हो गया, पहले हम लोग देखे वीडियो ऑफिस में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और बड़े बड़े ऑफिस में जो है वो ये था ना, पंखा दर था ऐसे बड़े एक ऐसे लगा देते थे, बहुत चौड़ा करके लगा देते थे, और बाहर में वो बैठ करके खींचता रहता है। उस समय तो बिजली नहीं था, बाहर में ऐसे खींचा जाता था वो जो, क्योंकि उसको वो वहीं पर बड़े बड़े ऑफिस आ रहते हैं, हो सकता है उनकी अनेकों प्रकार जो है गोपनीय तत्व भी बोलते रहते कि नहीं है, SDM वीडियो जो अपने जो हैं उसको इसको क्यों रखेंगे, ये तो बाहर बैठ करके वो रस्सी खींचते रहते हैं। इसके एक साधारण सीमा रहता है जिसके कहा जाता है क्या, मर्यादा है। रस में भी उसी प्रकार मर्यादा भी होते हैं, रस यही नहीं है जो सब कुछ मिला दो सब रस बन जाए, सब एक साथ में मिला दो ऐसे नहीं होता है। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं जहाँ पर ऐसे सुवल की कहा गया, जो वो पंखा झुला रहे हैं ये कर रहे हैं, ये समस्त विचार दिया गया है, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि पहले कहा दिया राधा कृष्ण के जहाँ पर निभृत निर्भय केवल स्त्री छोड़ करके पुरुष शरीर में तो प्रवेश अधिकार नहीं है, तो ये समस्त विचार आदि दिखा रहे हैं है? इसलिए मैंने इसलिए कहा हाँ इतना ही तक, जैसे सुबल शक्कर रस होने के नाते माधुर्य बस श्रृंगार रस के क्या है, वो कहीं की स्थल विशेष में सहायक बनता है। बहुत जगह में अनेक लीलाओं है, जैसे भांडीरवन की लीला हम कथा सुनते हैं है? कृष्ण राधा जी के साथ मिल रहे हैं सखियों के साथ, बस बहुत आनंद उससे चल, इतने समय
चंद्रावली के सुख जो है वो देख लिया, और देख करके चंद्रावली के बोल दिया, देखो आज कृष्ण जो है भांडीर वन में राधा के साथ मिल रहे हैं। चंद्रावली के सखी जा करके जटिला कुटिला के बोल दिया, हाँ ऐसे ही है, है वो देखो उस समय जटिला कुटिला इतने बड़बड़ाते हुए मैं आज रंगली हाथ में पकड़ लूँ। है कृष्ण सर्वद भगवान है, भगवान के सारे लीला जोग में आके दिल होते हैं, है आज समय। तो उस समय कृष्ण कहने लगे, देखो आज लीला समझते, चलो आप लोग जाओ सारे सखियों की क्या की वहीं से, और देखो वहीं पर सखा लोग आ गए भंडीर बन, सखाओं की सुवल के जो है सुंदर है बेस बना दे, राधा जी के बेस बना दिया, राधा जी के मुख सुवल के मुख कैसे है एक जैसे है, लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम लीला करने के लिए ऐसे भी एक एक पात्र पात्री के बीच जुगाड़ हो जाता है, है? इसलिए कह रहे ना भले भगवान की लीला में जो चार वस्तु है होता है देश काल पात्र पात्री ये सब भी लीला होती है, इसके ऊपर निर्भर करता है, है? देखो सुवल के मुख कैसे है बिल्कुल राधा जी के है? है? केवल बक्षस्थल के छोड़ करके और ऊपर से देखो सुबल बिल्कुल राधा जी है ऐसे लगे, और सुबल के सजा दिया क्या कि राधा जी के बेस पहना करके घूंघट लगा दी है, और कृष्ण उनके साथ बस हास परिहास करते हाथ पकड़ करके और चलते जा रहे, जटिला कुटिला गरज करते करते आगे, अरे अरे कलंकिनी है तू परपुरुष के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, है हाथ पकड़ जहाँ जी कितने बड़बड़ाते हुए, और देखो क्या कि, और वो घुंघट था ना उसको खींच लिया और सुबोल के कपड़ा तो अपने आप ही वो मानो खुल गया है, और बाहर जो दूर से सखा लो हाथ लिप देने लगे, और जटिला कुटिला देखा अरे ये कहाँ राधा जी है ये कौन है, देखो जटिला कुटिला के उस समय कैसे म्लान बदना हो गए है, और उस समय जितने ब्रज की जो वृद्धा महिला जटिला कुटिला के इतने गाली देने लगे, अरे मूर्ख है तू कैसे वृद्धा हो गई मरने वाली हो, तू अपने घर की बात बाहर की करते, भाई घर में कुछ भी हो बाहर के बोलते कोई है, है कलंक दे है थूक थूक के यदि ऊपर फेंको कहाँ आ जाएगा अपने ऊपर तो आएगा है कर रहे, अरे घर की बात है देखो कहाँ तुम्हारे सती साधी बहू है और तुम कहाँ इनको पर कलंक लगा रहे, ये राधा जी थोड़ी है ये तो सखा लोग यहाँ पर खेलकूद कर रहे हैं, तुमके किसने बताया इसे बता है? हमारे भक्ति में ठाकुर जैव धर्म में इसके लीला को बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है भांडीरवट की लीलाओं के जो है, और गोस्वामी वर्ग अपनी लीलाओं में कितने सुंदर रूप में वर्णन करते रहते हैं। तो इसी प्रकार सुवल भी सिंगारस के जो है माधुर्य की उत्कर्षता बढ़ाने के लिए ये समझ लीला आदि करते हैं, सुवल मिलन की कथा राधा कुंड की लीला कथा तो अनेक है, ये समस्त कथा है ये कथा अभी समय हो गया नहीं तो कितने सुंदर सुंदर कथाएं है कि नहीं, इसलिए कह रहे हैं कुछ रस जो होता है मैत्री रस कुछ बैरी रस होता है ये समस्त को विचार करके दिखाया गया है, जोग वियोग संयोग ये समस्त अनेकों है शब्दों के द्वारा, पहले तो इतना ही तो हमें सीखना पड़ेगा, किसको पहले किसको कहा जाए मैत्री रस, किसको कहा जाता है बैरी रस, कौन रस के साथ कैसे मिलन होता है कैसे उसके जो है अमिलन बा बैरी होता है, इसके नहीं जानने पर रस माधुर्य आस्वादन नहीं होता है, है जैसे मैंने कहा ना, देखो शास्त्र में भी कहा गया है ये समस्त विचार को देख करके तब देख, इसलिए श्रृंगार रस में है माधुर्य की उत्कर्षता ऐसे दिखाया गया, पहले इसी के दिखाया गया ये कौन से रस के साथ कैसे होता है, इसलिए केवल पढ़ने से नहीं होता है, भजन करते 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 ये सब भी हृदय में स्वाभाविक रूप में उदित होगा, वंशाग्र कृपा सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो महाराज।